पीर हैं, फकीर हैं, खुदा के नेक बंदों में शरीक हैं, इसलिए सबके बड़े अजीज हैं। आप सभी को गोरखपुर न्यूज़ परिवार की तरफ से ईद मुबारक। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, सभी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। मस्जिदों पर साफ सफाई के लिए नगर निगम को किया गया है निर्देशित। फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले फर्जी अध्यापक को एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1600 रुपए नगद, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, दो मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। गैंगस्टर में वांछित व 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को बेलघाट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ घायल, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एक देसी कट्टा, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीम ने पैडलेगंज चौराहे पर खड़े डग्गा मार बसों के खिलाफ चलाया अभियान। खड़ी डग्गा मार बसों का किया चालान व सीजर की कार्यवाही। जिले में चल रही गेहूं खरीद पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, गेहूं खरीद के लिए खोले गए 156 क्रय केंद्रों पर की जा रही है गेहूं की खरीद। केंद्रों की लगातार अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बरसात में जनपद में पानी लगने की समस्या पर सीएम योगी हुए सख्त। नगर निगम चलाएगा 4 मई से लेकर 20 मई तक विशेष नाला सफाई अभियान। नगर आयुक्त ने कहा, सभी 256 नालों की होगी तल्ली झाड़ साफ सफाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, पुरातन छात्र सम्मेलन जैसे श्रेष्ठ परंपरा को बनाए रखने की है आवश्यकता। सांसद आदर्श ग्राम योजना की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, योजना के तहत चयनित गाँव को बनाया जाएगा मॉडल गाँव। दो मई से लेकर 12 मई तक चलने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तीसरे चरण का सीएमओ ने किया शुभारंभ। कहा, लगभग 4,230 टीमें, 24,000 बच्चों और 7,300 गर्भवती महिलाओं का करेगी टीकाकरण। सोमवार को सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में सीसीटीवी की निगरानी में हाई स्कूल के गणित विषय की कॉपियों का किया गया मूल्यांकन। प्रधानाचार्य ने कहा, कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 798 परीक्षक, 82 डिप्टी हेड की लगाई गई है ड्यूटी। और कोरोना महामारी के 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद उल फितर का पर्व। चांद रात पर लोगों ने की जमकर खरीदारी। हजरत मुबारक खान शहीद दरगाह के इमाम मौलाना मनोवर रजा ने कहा, 3 मई को पूरी दुनिया में मनाई जाएगी ईद उल फितर का त्यौहार।